अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडिकल ग्लोब ई लर्निंग। यू आर लिसनिंग सारा नईम। टुडे आई विल डिस्कस द गाइडलाइन ऑफ एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स फ्रॉम कीमोथेरेपी। आई एम शेयरिंग दिस गाइडलाइन फ्रॉम मिनी केटसन फार्माकोलॉजी 12th एडिशन। सो लेट स्टार्ट। एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स का चैप्टर आपका सेकेंड प्रायोरिटी टॉपिक है। यह चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको एक दफ़ा रीड जरूर करना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होने चाहिए और आपने इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि एक बार इस चैप्टर में से एक UQ आया हुआ है तो नेक्स्ट कभी भी आ सकता है, इसलिए हम इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के स्टार्ट में आपको क्लासिफिकेशन दिखाई दे रही है। ये क्लासिफिकेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। आपको ड्रग्स एटलीस्ट ज़रूर पता होने चाहिए कि कौन सी अगेंस्ट नेमाटोड्स हम देते हैं, कौन सी ड्रग्स हम अगेंस्ट ट्रीमाटोड्स देते हैं, एंड विच ड्रग्स आर एक्टिव अगेंस्ट सिस्टोड्स। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से, जो है हमारा ड्रग्स दैट एक्ट अगेंस्ट नेमाटोड्स। तो इसको आपने एक दफ़ा इंट्रोडक्शन को अच्छे तरह से रीड करना है। सबसे पहली जो आपकी ड्रग है वो है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल ड्रग इम्पॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ सकता है, तो आपने इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके क्लिनिकल यूजेस आपको पता होने चाहिए और इसकी टॉक्सिसिटी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इस ड्रग को आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है अच्छे से, इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक दफ़ा देख लीजिएगा, लेकिन ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सेकंड ड्रग हमारी इंपॉर्टेंट है वो आइवरमेक्टिन है। इस ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है, MCQs वगैरह में आ सकता है, SCQ भी इसका आ सकता है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। आइवरमेक्टिन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल यूजेस और टॉक्सिसिटी। इन ड्रग्स को करने का आसान तरीका यह है कि आप इनका एक टेबल बना लें, टेबल में आप खुद ड्रग लिख लें और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और आगे एक एक दो दो एडवर्स इफेक्ट्स, ताकि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका मिस ना हो। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग है वो इसी पेज पे है, मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल भी एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो इसे भी आपने, इसका भी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके क्लिनिकल यूजेस और इसके एडवर्स इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। पायपेराजिन का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने जस्ट रीड कर लेना है, इसी तरह पायरेंटल पैमोर का भी और थायाबेंडाजोल का भी। तो इनको आपने एक दफ़ा रीड करना है, आपने इनको याद, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करना आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई ड्रग कभी आ जाती है तो आपका क्वेश्चन स्किप ना हो। तो इनका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एक एक दो दो आपकी टॉक्सिसिटीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग्स दैट एक्ट अगेंस्ट रीमाटोड्स हैं, इसके अंदर प्राजीक्वांटल, ये वाली ड्रग इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल यूजेस, फार्माकोकाइनेटिक्स और टॉक्सिसिटी को आपने अच्छे तरह से रीड करना है। बाकी जो इसकी ड्रग्स हैं उनको आप सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लें, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है ड्रग्स दैट एक्ट अगेंस्ट सिस्टोड्स। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका एक दफ़ा UQ आया हुआ है, जिसमें से ये ड्रग जो निक्लोसामाइड है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट्स पूछे गए थे। तो ये टॉपिक आपने अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें से तो ऑलरेडी एक UQ आया हुआ है, लेकिन पीछे वाले भी आपने स्किप नहीं करने, क्योंकि अगर एक दफ़ा इस चैप्टर में से UQ आ सकता है तो मतलब इस चैप्टर में से UQ आ सकता है। तो आपने, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हर ड्रग का पता होना चाहिए, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो स्किप ना हो। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं MCQs। MCQs आपने लाजमी करने होते हैं लिपिन कॉर्ड से भी और मिनी कैटसंग से भी, विद देयर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को आपने मिस नहीं करना होता। इसके अलावा अपने MCQs की मज़ीद अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्रैक्स के MCQs लाजमी करना है, क्योंकि वहाँ आपको बहुत ज़्यादा MCQs मिलेंगे। वीडियो के एंड पे मैं वीडियो की समरी बताऊंगी। इस वीडियो में मैंने एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स की गाइडलाइन दी है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर स्किप भी इसको हमने नहीं करना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस का आप खुद टेबल बना सकते हैं और मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस और एडवर्स इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। जो इसमें से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सिस्टोड्स वाला है, क्योंकि उसमें से QQ आ चुका हुआ है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू। मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस आपकी खिदमत में पेश करता है प्रोफेशनल एग्जाम से रिलेटेड आपके तमाम मसाइल का हल। जी हाँ, MBBS क्रैक्स, इसमें मौजूद है हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के तमाम पास्ट क्वेश्चन जो कि सॉल्व करके दिए गए हैं, इसके अलावा हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पर्ल्स, साथ ही साथ इसमें शामिल है फोरेंसिक की समरी। इसके अलावा बिग रॉबिन्स की इम्पॉर्टेंट तस्वीरें ऐड की गई हैं, इसके अलावा हर सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंट ऑस्पी की पिक्चर्स ऐड की गई हैं। साथ ही साथ मेडिकल ग्लोब आपकी खिदमत में पेश करता है MCQs क्रैक्स, इसमें मौजूद है आपके MCQs की परेशानियों का हल। जी हाँ, तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी के इम्पॉर्टेंट MCQs इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें UHS के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। तो अभी इस मौके से फ़ायदा उठाइए और इस बुक को घर बैठे बैठे ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर 0335 66 33 007।